brain. Wild brain. Lock or Lord. Yeah. आतिशबाजी। आज तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। हे, ये कहां से आ गए? ये तो शेन गैंग है। अच्छा है तुम हमें भूले नहीं हो, तो तुम्हें पता ही होगा कि अब आगे क्या होने वाला है। क्या तुमने देखा लोड? श्रेन गैंग ने तो हमारे सामने घुटने टेक दिए। तुमने बिल्कुल सही कहा। इनकी तो छुट्टी हो गई हमेशा के लिए। वो अब कुछ नहीं कर सकते, यही मौका है उन्हें मार देने का। मुझे लगता है हमें सरेंडर कर देना चाहिए। नहीं, भागो यहाँ से। तुम इन फैंडैंगो स्लग्स के साथ क्या कर रहे हो? मुझे पता है कि इनमें बहुत सारी स्लग एनर्जी है, पर लड़ते वक्त तो इन्होंने हार मान ली। इनकी स्लग एनर्जी ही तो है जो हमें चाहिए। ये द्वंद्व युद्ध के लिए नहीं है, हम इन्हें बुलजाई गुफा में ले जा रहे हैं। वहाँ कुछ तो है जो इन स्लग्स को उनका घर छोड़ने में मजबूर कर रहा है। वहाँ कोई नहीं रहता। हमें फैंडैंगो स्लग एनर्जी चाहिए जिसकी वजह से वहाँ के स्लग्स को वापस बुला सके। तो तुम्हें लगता है कि फैंडैंगो स्लग्स इस गुफा को पहले जैसी कर देंगे और उसमें जान आ जाएगी? जब भी हम इन स्लग्स को वहाँ ले जाते हैं तब ये दोनों हमें रोकने आ जाते हैं। लॉक और लोड वो ब्लैक के लिए काम करते हैं। उन दोनों ने बुलजाई गुफा में जाने वाले सभी रास्तों को तहस नहस कर दिया और हमारे मेकर्स को भी बर्बाद कर दिया। अब स्लग्स को वहाँ वक्त पर नहीं पहुँचा सकते। हम इन्हें वहाँ लेकर जाएंगे। क्या? हम ले जाएंगे? हम इसलिए जाएंगे, बिल्कुल ले जाएंगे। तो ये सच है, तुम सच में विल शेन के बेटे हो? हमें असली शेन की ही जरूरत थी। शाम तक हम इन्हें बुलजाई गुफा में नहीं लेकर गए तो हम इन्हें खो देंगे। ऐसा नहीं होगा। तुम बहुत अच्छे बच्चे हो इलाई शेन। तो चलो इन्हें ले चलें। ये क्या? वो शेन गैंग उन स्लग्स को बुलसाई तक ले जा रहे हैं? ये बिल्कुल बुरा हो रहा है। तुम्हें लगता है कि हमें बॉस को बुलाना चाहिए? तुम्हारा दिमाग फिर से खराब तो नहीं हुआ ना? ब्लैक को बताने की जरूरत नहीं है। अगर उसे पता चला तो वो उसकी पूरी आर्मी भेज देगा। ये हमारा काम है। ये काम हम ही खत्म करेंगे और ब्लैक से इनाम पाएंगे। तुम बस ये सोचो कि हम उसका क्या करेंगे। हम अपने लिए बहुत सारा सोना खरीदेंगे। ठीक है, क्या एक बार फिर से बताओगे? ये गुफा स्लग एनर्जी से चलती है। क्या तुमने ये सब हमारी तरह स्कूल में नहीं पढ़ा है? शायद उस दिन मैं स्कूल नहीं गया था। तो सुनो, जिस एनर्जी से हम लोग यहाँ सांस ले पा रहे हैं वो इन स्लग्स की वजह से है। उन्हीं की वजह से सब सही सलामत रहता है, पर बिना उनके। समझ गया, डेड जोन। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ब्लैक एक पूरी गुफा में ऐसा क्यों करवाना चाहेगा। वो हमें रोकना चाहते हैं। प्रॉन्टो, पीछे के रास्ते से चलो।
मुझे लग रहा है कि इन्होंने अपना काम पूरा कर लिया है। अभी तो हम फंस गए। इस तरफ, हमारे पास यही रास्ता है। हमने शेन गैंग को कुचल दिया। हमें पक्का पता नहीं है, जाकर देखते हैं कि ऐसा हुआ है या नहीं। वो सब बहुत चालाक है। ओह, इसमें तो मजा आ गया। और जब मैं कहूँ मजा, तब मेरा मतलब होता है मेरा सिर चकरा रहा है। तुम अभी जिंदा है और यही सबसे बड़ी बात है। प्रॉन्टो, हम है कहाँ? अभी बताता हूँ, देखते हैं। तो अब सुनो, हम अपने मंजिल से बहुत भटक गए जी। अब तुम चाहते हो कि मैं और भी कुछ बताऊं? क्या कोई दूसरा रास्ता है? नहीं। कोई खुफिया रास्ता? नहीं। कोई तो होगा। हाँ, एक है। नहीं है? हाँ, मैंने हाँ सुना। क्या बात है प्रॉन्टो? ठीक है, एक रास्ता है जहाँ से हम निकल सकते हैं जी, पर कोई बेवकूफी होगा जो वहाँ से गुजरेगा। तुम जब भी ऐसा कहते हो वो अक्सर मजेदार होता है। नहीं, इस बार नहीं। जिस रास्ते से बुलजाई जाने की सोच रहे हो तुम लोग, वो खतरे से भरा हुआ है। वो रास्ता उलझनों से, खतरों से भरा है जी, और साथ साथ वो इलाका है शैडो ग्लैंड का। क्या कहते हो दोस्तों? एक मिनट रुको, तुम वहां से जाने का सोच रहे हो क्या? मारे जाएंगे। वो लोग अब भी जिंदा हैं। कहा था ना, वो लोग बहुत चालाक हैं। अच्छा, अगर वो इतने चालाक हैं, तो वो उस रास्ते क्यों जा रहे हैं? वो इलाका तो शैडो क्लैन का है। क्या हम उनका पीछा करें? वहाँ जाने से अच्छा है कि ब्लैक को सब बता दे। वो वहाँ से निकल ही नहीं पाएंगे। लेकिन कुछ भी हो सकता है, हमें तैयार रहना होगा। यही है वो डार्क पेरिफेरी जहाँ शैडो क्लैन रहती है। ऐसा मौका जिंदगी में फिर कभी नहीं मिलेगा। मेरा मतलब, अब तक किसी ने भी शैडो जाति की फिल्म नहीं उतारी होगी, और अगर उतारी भी होगी तो जिंदा नहीं बचा होगा। तुम क्यों इतने चुप बैठे हो प्रॉन्टो? मैं चुप नहीं हूँ जी, मैं गूंगा हो गया हूँ। हम स्लग टेरा के सबसे खतरनाक जानवर के गार्डन में घूम रहे हैं, जैसे कि यह हमारा अपना है। मैंने उन्हें पहले भी देखा है, याद है? माना कि वो डरावने हैं, पर उतने भी बुरे नहीं हैं। शायद लोगों को उनके बारे में गलत फहमी है। क्या कहा? वैसे तुमने ही तो कहा था, हम उनके इलाके के किनारे पर चल रहे हैं। उन्हें तो पता भी नहीं होगा कि हम यहाँ हैं। मुझे कुछ सुनाई दे रहा है। सब लोग पत्थर के पीछे छुप जाओ। क्या ऐसा करना वाकई जरूरी है? समझ गया, जरूरी है। कोई भी हिलू नको। शैडो क्लैन की नजर बहुत तेज होती है जी, और वो बारीक से बारीक गंध को भी सूंघ लेते हैं। लगता है वो चले गए। हम बच गए जी, हमारा नसीब बहुत अच्छा, इसलिए अब वापस चलो। हम वापस नहीं जा रहे, बुलसाय को उन स्लग्स की जरूरत है। ठीक है जी, जितनी जल्दी हम वहाँ पहुँचेंगे उतनी जल्दी इस खतरनाक जगह से निकल पाएंगे। मेरे डैड मुझे शैडो समुदाय के बारे में बताया करते थे कि वो कैसे स्लग्स से बात कर सकते हैं, और वो यहाँ हमेशा से रहे हैं। दोस्तों, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहती, पर हमारे पीछे कुछ तो हलचल हो रही है। मुझे लगा था हमने उनसे पीछा छुड़ा लिया। मुझे बहुत सारी मेलानाइट ट्रैकिंग ट्रिक्स आती आई, जिससे मैं उनका पता लगा लूंगा। सूखे पत्थर, पैरों के निशान नहीं मिलेंगे, और हम हवा के रुख की तरफ बढ़ रहे हैं, तो वो कुछ सूंघ भी नहीं पाएंगे। मेरे पीछे आ जाओ। तुम बहुत ही नसीब वाले हो, क्योंकि तुम्हारे साथ सेलेक्ट करेगा सबसे बेहतरीन ट्रैकर। दोस्तों, हमें जल्दी चलना चाहिए। क्या बात कर रहे हैं, ये नहीं हो सकता। वक्त है मेलानाइट को अपना एक और हुनर दिखाने का, और वो है भागो। वो हमारे पीछे ही है।
देखा तुम लोगों ने कैसे उल्लू बनाया उनको, पर मेरी तारीफ तब तक मत करना जब तक मैं तुम्हें बुलसाई नहीं पहुंचा दूंगा, और वो जल्दी होने वाला है। दोस्तों नीचे और भी है, हमें नजदीक जाकर देखना चाहिए। क्या तुम मजाक कर रहे हो ना? तुम मजाक नहीं कर रहे, पता है क्या, तुम्हें और मजाक करना चाहिए। अब तो तुमने उन्हें नजदीक से भी देख लिया, चलो यहाँ से निकलते हैं। देखो जिस रास्ते से हमें जाना है वो बहुत बड़ा है, अगर हम अभी जाएंगे तो वो हमें देख लेंगे, हमें कैसे भी करके उनका ध्यान बटाना होगा। मुझे अच्छे नहीं लगते। मुझे भी नहीं लगते। वो नहीं देख रहे, यही मौका है निकलने का। अरे चिल्लाना बंद करो जी, भांडा फोड़ दोगे। हे क्या हुआ है तुम सबको? भागो! लगता है जैसे उन्होंने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया है। और सबसे पहले वो मुझे ही खत्म करेंगे। प्रोंटो, तुम और ट्रिक्सी स्लग्स को लेकर आगे बढ़ो, तब तक कॉर्ड और मैं उनसे निपटते हैं। मुझे आसानी से नहीं पकड़ सकते, अगर यही मेरी नसीब में लिखा है तो प्रॉन्टो मरने से पहले जहाज ऊपर कर लेगा। वैसे देखा जाए तो आज तक कोई भी शैडो क्लैन के इतने करीब नहीं पहुंचा है। बस लेंस कैप चेक कर रही थी। हम जानते हैं कि हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था, पर हम मजबूर थे। अगर हमने इन स्लग्स को बुलसाई गुफा तक नहीं पहुँचाया तो गुफा में हमेशा के लिए अंधेरा हो जाएगा, वो मर जाएगी। हे, वो तुम्हारे स्लग्स नहीं है, मेरी बातें समझ रहे हो? बुलसाई गुफा को इनकी जरूरत है। लगता है वो हमें जाने दे रहे हैं। उन्हें हमारी बात अब समझ में आई जी। शुक्रिया। बॉपी, तुमने उनसे क्या कहा? हाँ? खैर जो भी कहा होगा, अच्छा काम किया। चलो हम लोग बुलसाई गुफा पहुंच गए, अब मेरी तारीफ कर सकते हो। अब क्या करें? फेंडेंगोस को छोड़ दो, वो खुद अपना बसेरा कर लेंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब तुम आजाद हो, जहां चाहे जा सकते हो। ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना? यहाँ कुछ तो ऐसा है जो इन्हें पसंद नहीं। शायद हमने देर कर दी हो। हे, तुम कहाँ जा रहे हो? मेरे साथ ही रहो बॉपी, अपने स्लग्स को पास ही रखना, ये जो भी है इससे हमारे स्लग्स को भी तकलीफ हो रही है। हाँ!
देखा तुमने बुलसाई गुफा का नया रास्ता, हमने उसे उड़ा डाला। शेन गैंग वो यहाँ पहुँच गए। कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्होंने देर कर दी। ये गुफा बेकार हो चुकी है और स्लग्स भी भाग रहे हैं। मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, हम इस गुफा को अब भी बचा सकते हैं। प्रॉन्टो, मैं चाहता हूँ कि तुम इन फंडांगो स्लग्स को इकट्ठा करो। अभी करता हूँ जी। ट्रिक्सी, पता लगाओगी ये क्यों भाग रहे हैं? जरूर। कॉर्ड, मैं समझ गया दोस्त। तो अब वक्त हुआ है इसे खत्म करने का। तुम हमसे लड़ना चाहते हो? तुम चाहो तो बात करके भी किस्सा खत्म कर सकते हैं। तुम जीत नहीं सकते। और सिर्फ यही नहीं, तुम हारोगे भी। रुको, मैं कह रहा हूँ रुक जाओ। तुम लगता है सीधी तरह से नहीं मारोगे है? मुझे उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। मैं जानता हूँ तुम्हें तकलीफ हो रही है जूल्स, पर प्लीज थोड़ी देर और रुक जाओ। तुम जितना चाहे भाग लो, प्रॉन्टो पूरा दिन भाग सकता है। ऐसा करके तुम बस अपने आप को ही थका रहे हो। मैं आखिर ढूंढ क्या रही हूँ? वो फैंडैंगो स्लग्स। क्या ये तुमने कैसे किया? अब मैं नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा जी। मैं जानती हूँ तुम्हें यहाँ से निकलना है, पर इस काम को करने के लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। उम्मीद है ये काम करेगा। तुम्हें इस तरफ जाने से डर लग रहा है ना? बुल्साई। वो तो ये बात है, मुझे ईलाई को दिखाना होगा। मेरे स्लग्स लगभग खत्म हो गए हैं। मेरे भी, और अगर वो हम तक पहुंच गए तो हम और बड़ी मुश्किल में आ जाएंगे। ऐसा नहीं होगा। मान लो बच्चे, तुम हार गए। और हम जीते। तो फिर ये हंस क्यों रहे हैं? वो मैं बताती हूँ। डॉक्टर ब्लैक से कहना, अच्छी कोशिश थी फ्राइड गाइस प्लग। बढ़िया शॉट थी ट्रिक्सी। शुक्रिया। डेडवीट गुफा में जाने का कुछ फायदा जरूर हुआ है। मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। काला पानी? हाँ, इसी की वजह से स्लग्स यहाँ से दूर भाग रहे थे। ब्लैक ने सोचा वो पूरी गुफा को घूल बना देगा। मेरे पास इसका इलाज है। वो बहुत ज्यादा काला पानी है। तुम्हें यकीन है डॉक ये कर पाएगा? क्या कहते हो डॉक, न्यूट्रलाइज कर पाओगे? उसकी एनर्जी कम हो रही है। मिल गया जी। सिर्फ एक? नहीं, ये परफेक्ट है। इसे उस होल में शूट करो, इसकी ताकत उस काले पानी की बुराइयों को रोक देगी। प्रॉन्टो जल्दी करो। वो काम कर रहा है, हमें और चाहिए। क्या बात है बॉबी। हे
क्या बात है? एक बात समझ में नहीं आ रही, इतनी सारी गुफाओं को छोड़कर ब्लैक ने इस गुफा को क्यों चुना? क्योंकि ये गुफा स्लग टेरा के बिल्कुल बीचों बीच है, समझे? बुलजाई। वो बस इसे हासिल करना चाहता था और ब्लैक काले पानी के जरिए सबको डराना चाहता था। तो आखिर हमें सब पता चल ही गया? अब तक नहीं, मैं अभी ये सोच रहा हूँ कि शैडो क्लान ने हमें जाने क्यों दिया। काश तुम हमें बता सकते कि तुमने उनसे क्या कहा। मैंने कर दिया। शैडो जाति की फिल्म उतारने वाली मैं पहली इंसान हूँ। तो मुबारक हो। ओ, शुक्रिया। अच्छी बात है ना, जब ये फुटेज सामने आएगा तब हंगामा हो जाएगा। एक काम करते हैं, थोड़ी देर आराम कर लेते हैं और फिर सोचते हैं कि उस शेन गैंग से बदला कैसे लें। हाँ, उन्हें सबक जरूर सिखाएंगे, ब्लैक भी खुश होगा और हमारा हिसाब भी बराबर होगा। सबको बता देंगे कि लॉक और लोड से कोई नहीं बच सकता। अब क्या होगा? जज साहब, मैं आपसे एक दरखास्त करना चाहता हूँ जी। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे माफ कर दे, ये सब मेरी गलती थी, मैं गलत फहमी में था। इस शहर में रास्ते पर थूकना कानूनन अपराध है। ये नियम जज लोगन ने लागू किए हैं, इसमें किसी को माफी नहीं मिलेगी। ये सिर्फ एक चुईंगम भाई जी, जिसकी वजह से मैं दरखास्त करता हूँ कि आप मुझे माफ कर देंगे, मुझे जाने देंगे। मैं आपसे दरखास्त करता हूँ जी, आप जाने दीजिए मुझे। दोषी। वैसे उसने जुर्म किया तो है, तो चलो जुर्माना भर के यहाँ से निकले। इसे 50 साल की सजा दी जाती है। 50 साल? ये सारी मेरी गलती है। उसे च्युइंग गम चुराने से पहले मुझे रोकना चाहिए था। मुझे लगा इससे उसे सबक सीखने मिलेगा। जज साहब, आप ऐसा नहीं कर सकते। रास्ते पर थूकने के लिए 50 साल की सजा? देखिए, मैं इलाई शेन हूँ और मैं भी इंसाफ ही चाहता हूँ, पर ये तो एक शेन है। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर तुम्हारे मामले में मैं तुम्हें माफ करूंगा और मुझे भड़काने के लिए तुम्हें जेल में भी नहीं डालूंगा। इसे डाल दो। रुको, ये सरासर नाइंसाफी है, आप ऐसा नहीं कर सकते। मेरी तुम पर नजर रहेगी। रुकिए, मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ जी। ट्रिक्सी, कॉर्ड, इस जेल पर नजर रख के देखना होगा ये किस चीज की बनी है। क्यों? क्योंकि हम प्रॉन्टो को बाहर निकालने वाले हैं। अपराधी की तरह जेल में बंद कर दिया, ये बहुत बुरा किया तुमने। तुम शायद प्रॉन्टो को जानते नहीं। तो तुम कौन हो, कोई क्रिमिनल मास्टरमाइंड? हाँ, बिल्कुल, मैं एक बहुत ही बड़े गिरोह का मुखिया हूँ जी, जो अपनी बदमाशी और साफ कपड़ों के लिए जाना जाता है। मुझे लगा कि तुम्हें रास्ते पर थूकने के लिए अरेस्ट किया है। हाँ, ये बिल्कुल सच है, ये मेरा सबसे छोटा गुनाह है। पर तुम अंदर क्यों हो जी? पब्लिक स्पीकिंग के लिए, इससे ज्यादा जोर से सांस लेने के लिए और इसे डरावनी हंसी के लिए। हाँ, वो जज लोगन बहुत ही बेईमान जज है। वो आपको बेतुके कानून तोड़ने के लिए अरेस्ट करता है और फिर पत्थर तोड़ने के काम करवाता है। और सिर्फ पत्थर तोड़ने के लिए नहीं, मैंने तो सुना है वो तुम्हें डॉक्टर ब्लैक के लिए काम करने को भी भेजता है। डॉक्टर ब्लैक?
मेरे सूत्रों ने तो यही बताया, जज लोगन अपनी जेल के आदमियों को बेचता है और ब्लैक को धातु पिघलाने के लिए मुफ्त में मजदूर मिल जाते हैं। अब हमारे पास कितना वक्त है? बहुत कम दिन। फिर तो हमें कुछ जल्दी करना होगा। चलो प्लान बताओ। जेल में खाना रोज इसमें जाता है, इसे चलाने के लिए ड्राइवर को पैसे देने पड़े। अगर हम इसमें कामयाब हो गए तो किसी को बिना पता चले हम सभी को निकाल सकते हैं। बढ़िया। याद रहे दोस्तों, प्रॉन्टो सिर्फ अकेला नहीं जिसे बेगुनाह होते वक्त सजा दी गई है, वहाँ दूसरे कैदी भी है जिनको हमारी मदद चाहिए। फिर हम उस जज को भी रोक सकते हैं। अब मुझे ये बताओ, मुझे कैसा शॉट लेना होगा? ये लगभग नामुमकिन था, इसलिए मैं तुम्हारे लिए ये लाया हूँ। बहुत खूब कॉर्ड। हाँ, ये SVX 5000 स्कोप तुम्हें हर एंगल, हर रीडिंग, हर चीज अच्छे से दिखाएगा, जिससे तुम एक अच्छा निशाना लगा सको। और मैंने ये स्पीड स्टिंगर स्लग बनाया है ताकि ये तुम्हारे स्कोप के साथ जा सके। ये एक लौता स्लग है जो ये काम कर सकता है, क्योंकि सारे स्कोप्स के डेटा और एंगल्स इसके छोटे हाईटेक गॉगल्स में डाले है। हेलो स्टंट्स, टीम में स्वागत है। अब चलो प्लान देखते हैं। पहले कॉर्ड इसे जेल तक ले जाएगा और उन्हें ऐसा महसूस कराएगा जैसे वो खाना लाया है। ट्रिक्सी पहरेदारों का ध्यान खींचेगी और मुझे इशारा करेगी। फिर मैं और स्पीड स्टिंगर अपना कमाल दिखाएंगे, और अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ मैं स्टंट्स को फायर करूंगा। वो गाड़ी से टकराएगा, झंडे के खंबे से टकराकर वापस लौटेगा, 2-3 बैंक शॉट्स लेगा और फिर कूलिंग टावर से जेल की छत पर जाएगा। उसके बाद वायु मार्ग से अंदर जाएगा, फिर बैंक शॉट लेगा, जल्दी जल्दी घूमेगा, लॉक को खोलेगा, और जब खतरा नहीं होगा तब किसी को बिना पता चले वो सब वहां से निकल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलो प्रॉन्टो को छुड़ाते हैं। ये हाईटेक चीज मेरा साथ निभानी चाहिए। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। उम्मीद करता हूँ तुम्हें सब समझ में आ रहा है स्टंट्स। ओ नहीं, ये क्या हुआ? ओ, ये ठीक नहीं। जो भी हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। मैंने तुमसे क्या कहा था इलाई, तुम्हारे प्लान में बस एक ही खराबी है कि कोई भी वो निशाना नहीं लगा सकता। हाँ कोई नहीं, पर सिवाय मारियो ब्रावाडो के। मारियो कौन? क्या, ओ तुम नहीं जानते मारियो ब्रावाडो को? वो अब तक का सबसे बड़ा शातिर शॉट स्लिंगर है। ये लो देखो उसे। वो कहीं भी निशाना लगा सकता है। हाँ, उसका खुद का एक शो हुआ करता था। तो आगे उसका क्या हुआ? सुना है कि उसने ये सब छोड़ दिया और अब वो किसी गांव में खुद का होटल चला रहा है। मुझे लगता है मारियो ब्रावाडो का वापस आने का वक्त आ गया है, वो भी जल्द से जल्द। मुझे नहीं लगता वो यहाँ होगा। एक मशहूर शातिर निशानेबाज यहाँ क्यों रहेगा? हे रिकोशिट पिज्जा में तुम्हारा स्वागत है। हम स्लैक टेरा का सबसे अच्छा पिज्जा बनाते हैं, क्या लेना पसंद करेंगे? क्या तुम मारियो ब्रावाडो हो? नहीं, मैं मारियो हूँ पर पिज्जा वाला। देखो मैं जानता हूँ तुम कौन हो, और मैंने सुना है कि सिर्फ मारियो ब्रावाडो ही वो शातिर निशाना लगा सकता है जो मुझे चाहिए। सॉरी, वो मारियो तो रिटायर हो चुका है और अब वो सिर्फ पिज्जा बनाता है, इसलिए अगर उससे बात करना है तो पहले ऑर्डर करना पड़ेगा। सुनो, मेरा एक दोस्त है जो कोई ऑर्डर नहीं तो फिर बात भी नहीं। तो ठीक है, मैं खाऊंगा सुपर स्लिंगर का सुपर चीज पिज्जा। अगला ऑर्डर है सुपर स्लिंगर चीज पिज्जा। ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि मुझे किस तरह का निशाना लगाना है। मेरा एक दोस्त है जो, मैंने पहले भी कहा है मैं अब रिटायर हो चुका हूँ और मैं जिंदगी में कभी भी निशाना नहीं लगाऊंगा। ये किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है। जज लोगन जेल के कैदियों को डॉक्टर ब्लैक को बेच रहा है और तुम्हें शायद ठीक से सुनाई नहीं देता, मैंने कहा नहीं। अब क्या करें? उन लोगों ने मेरे को घेर के पकड़ लिया जी, लेकिन उनको बाद में मालूम पड़ा कि मैं सबसे बहादुर मेरनाइड हूँ। और फिर क्या हुआ? मेरे इशारे पर सारे स्कॉर्पियन भाग जाएंगे और मेरे गैंग के लोग मुझे यहाँ से बाहर निकालेंगे।
बात ये है ना कि ये मेरी इज्जत का सवाल है जी। असल में बात है डरने की। वो मोलनॉइड मुसीबत बन सकता है और वो शेन भी उसका दोस्त है। जल्दी उसे यहाँ से बाहर निकालना अच्छा रहेगा। देखो तुम क्या कर सकते हो। सुनो मैंने कहा नहीं, अब निकल जाओ यहाँ से। मैं यहाँ आया हूँ खाने के लिए। यकीन नहीं होता कि मैंने इतने सारे पिज्जा खाए। देखो मेरा दोस्त बहुत बड़ी मुसीबत में है और यहाँ मैं आया हूँ उसी को बचाने। सब कहते हैं कि जिस तरह का निशाना मुझे चाहिए वो सिर्फ तुम लगा सकते हो। बस इतना ही? तो सुनकर लगता है कि बहुत बड़ी मुसीबत है। भूल जाओ, मैंने निशानेबाजी छोड़ दी है हमेशा के लिए। आखिर क्या हो गया है तुम्हें? क्या कहा तुमने? तुम एक बहुत बड़े हीरो थे, फिर अचानक गायब हो गए। मैं कोई हीरो वीरो नहीं हूँ, मैं एक टीवी शो करता था, बस इतना ही। जानते हो फेमस होना क्या होता है? मुझे पता है, विल शेन मेरे पापा थे। क्या सच में? तो फिर ये बात पहले क्यों नहीं बताई? बताया होता तो तुम स्लिंगिंग करते? नहीं। तो फिर ठीक है, सॉरी मैंने तुम्हारा टाइम वेस्ट किया और मेरा भी। रुको, जैसा मैंने कहा मैं स्लिंगिंग नहीं करता, लेकिन अगर ये इतना जरूरी है तो मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ। एक शेन के लिए ये सिखाना बहुत आसान है। उम्मीद है कि तुम जल्दी सिखा सको क्योंकि मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। ठीक है, 3 बड़े पिज्जा बगैर ऑनियन के। ऑर्डर करने के लिए शुक्रिया। ठीक है, याद रहे 90% ट्रिक शूटिंग में दिमाग से काम लेना होता है। तो पहली चीज पहले, हम पिज्जा बनाएंगे। क्या? अपनी दोस्त की मदद करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर रहे हो? पिज्जा बना रहा हूँ। रिलैक्स, हम वो बाद में करेंगे। पहली चीज पहले, ऑर्डर को समझो, उनके लेयर्स को उसे अपने दिमाग में डालो। तुम बता सकते हो अब मैं किसे देख रहा हूँ? उन मसालों को? रॉन्ग, मैं एक तैयार पिज्जा को देख रहा हूँ जो मेरे दिमाग में है। जब कुछ शुरू करो तो पता होना चाहिए कि तुम्हें क्या खत्म करना है। इस मामले में हम बना रहे हैं क्या? 3 बड़े पिज्जाज टॉपिंग्स के साथ। ये बहुत सारे मसालों को एक साथ जोड़ने जैसा है। तुम्हें जानना है इस जगह को रिकोशेट पिज्जा क्यों कहते हैं? वाओ, कमाल का था, पर उन्हें अनियन नहीं चाहिए थे। बढ़िया, तुम ध्यान दे रहे हो। अब बड़े 3 पिज्जा बनाओ टॉपिंग्स के साथ, ऑनियंस के बगैर। हमें पूरा पिज्जा एक ही बार में बनाना होगा। रिकोशेट पिज्जा, याद है ना? समझ गया। ठीक है, एक बार फिर कोशिश करते हैं। इन हाईटेक चीजों के बगैर भी तुम अच्छा निशाना लगा सकते हो, पर बस तुम्हें खुद पर भरोसा करना होगा। ठीक है, तो क्या अब हम थोड़ी स्लिंगिंग करें? तुम्हारा मतलब पिज्जा को स्लिंग करने से है? हाँ। ठीक है, अब उस पेपरोनी से इस पिज्जा पर निशाना लगाओ। तो कैसा रहा? मुझे लगता है तुम्हें और प्रैक्टिस करनी होगी। तुम सीख रहे हो एलाय, पर तुम्हें थोड़ा और सब्र करना होगा। ठीक है, पर मैं निशाना कब लगाऊंगा? यही तो तुम कर रहे हो, तुम सिर्फ जानते नहीं। तुम्हारा दिल एक ट्रिक शूटर की तरह है एलाय, और मैंने आज तक किसी को अपने स्लग से इतना जुड़ा हुआ नहीं देखा सिवाय मेरे। अगर ऐसा है तो तुमने छोड़ा क्यों? मैंने इस बारे में पहले किसी को भी नहीं बताया। मैं स्लग शूटिंग में सबसे माहिर था, सोचता था मुझे कोई नहीं हरा सकता। शायद मैं थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था। एक दिन किसी ने अपने साथ काम करने का ऑफर दिया और मैंने मना कर दिया। बदले में कुछ ऐसी चीज कह डाली जो नहीं कहनी चाहिए थी। मैंने शर्त लगा दी, अगर मैं हारा तो हमेशा के लिए द्वंद्व युद्ध छोड़ दूंगा।
मैंने सोचा मुझे कोई नहीं हरा सकता, पर मैं गलत था। मुझे ऐसे स्लग ने हराया जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था और कभी देखना भी नहीं चाहता। वो एक गूल था, है ना? और तुमने ब्लैक से मुकाबला किया। कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अपना वादा नहीं तोड़ता और मैंने तुम्हें ट्रेन करने का वादा किया है। तो क्या तुम और स्टंट के साथ तैयार हो? बहुत अच्छे इलाय, हालांकि तुम एक्स्ट्रा चीज डालना भूल गए, लेकिन मुझे लगता है कि तुम तैयार हो। तुम्हें पता है ना, डॉक्टर ब्लैक धोखेबाज है, वो अपना वादा कभी नहीं पूरा करता, उसका तुम पर कोई उपकार नहीं। इस दुनिया को तुम्हारी जरूरत है और मुझे भी। ठीक है, हम आ रहे हैं। वाकई? क्या बात है। पर निशाना तुम लगाओगे। अच्छी खबर है, मैं सीख कर आया हूँ और मारियो ब्रावाडो को वापस भी ले आया हूँ। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। वाओ, तुम सच में मारियो ब्रावाडो हो। क्या तुम्हें अपने शो का एपिसोड नंबर 56 याद है, जब तुमने उस लक को ठीक? ये सब बाद में पूछ लेना। तुमसे मिलकर खुशी हुई मारियो, जैकेट बहुत अच्छी है। हमारे लिए एक बुरी खबर है इलाय, वो अभी निकल रहे हैं। दोस्तों, मैंने इस बारे में तो सोचा ही नहीं, मैंने तो ट्रिक शॉट की प्लानिंग की थी जो उन्हें जेल से छुड़ाएगा। तुम कर सकते हो इलाय, अपने सारे मसालों को एक साथ डालो, ये एक पिज्जा बनाने जितना ही आसान है। क्या वो पिज्जा बनाना सीख रहे थे? दोस्तों, हमें जल्दी कुछ करना होगा। बहुत दिन हो गए, है ना दोस्त? तुम स्लिंग करने वाले हो? अगर तुम ब्लैक से नहीं डरते तो फिर मैं ही क्यों डरूं, हाँ? अब रिटायरमेंट से वापस आने का वक्त हो गया है, पर निशाना तुम ही लगाओगे। ठीक है, कॉर्ड, चलो ट्रेन के पीछे। ये तो शेन गैंग है, और तेज चलो। लो, आ गए। वो मुझे बचाने आ गए। ये नया मेंबर कौन है जी? हे, ये प्रॉन्टो तो बिल्कुल सच कह रहा है, इसके गैंग में तो मारियो ब्रावाडो भी है। हाँ, बिल्कुल है, मैंने ही मारियो ब्रावाडो को सब सिखाया है। वैसे ये मारियो कौन है? हे इलाय, आगे एक बड़ी मुसीबत है। अगर एक बार ट्रेन उस सुरंग में चली गई तो हम उनका पीछा नहीं कर पाएंगे, बहुत देर हो जाएगी। ट्रिक शॉट का वक्त आ गया है, गार्ड्स को मारो, प्रॉन्टो को छुड़ाओ और इस गाड़ी पर उन्हें उतारो। कॉर्ड, तुम अब ठीक से ड्राइविंग करना। ट्रिक्सी, मुझे बताना गार्ड्स कहाँ हैं। दो गार्ड्स ट्रेन के बिल्कुल ऊपर है। क्या तुमने मेरा निशाना देखा? ओवर कॉन्फिडेंट मत बनो इलाय। सुरंग नजदीक आती जा रही है। हाँ, लगता है उन्होंने ट्रेन की स्पीड बढ़ा दी है। चार और गार्ड्स को मारना है और कैदियों को भी तो छुड़ाना है। चलो हो जाए इलाय, अब वक्त आ गया है कमाल दिखाने का। वो सुरंग में घुसने ही वाले। हम उन्हें एक एक करके ट्रेन से कैसे उतारे, हमारे पास उतना वक्त नहीं। प्रॉन्टो के डिब्बे को ट्रेन से अलग करना होगा। इलाय, तुम उस पिन को निकालो। एक ही शॉट में पिन निकालना और ट्रैक स्विच करना, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, ये नामुमकिन है। नहीं मुमकिन है, बस मैंने जो सिखाया वही करो।
मसालों को ढूंढो, लेयर्स को समझो, फिर उसे बनाओ। ठीक है स्टंट्स, चलो करते हैं। अब इसे कहते हैं पिज्जा स्लिंगिंग। बिल्कुल सही दोस्त। तुम्हारी पिज्जा की बात सुनकर प्रॉन्टो का पिज्जा खाने का मन कर रहा जी, वो भी एक्स्ट्रा चीज के साथ। एक बात बताओ, जेल में रहना बहुत मुश्किल था और वहाँ का खाने में स्वाद ही नहीं था जी। प्रॉन्टो, तुम जेल में सिर्फ 2 ही दिन थे। और फिर भी मैं ठीक ठाक हूँ। तुम अब भी एक बेहतरीन निशानेबाज हो, अगर तुम कभी भी वापस आने की सोचो तो हमारी टीम में तुम्हारा स्वागत है। थैंक्स, पर मैं पिज्जा ही बनाना पसंद करूंगा फिलहाल के लिए, पर किसी दिन हे क्या पता। चलो, हमने प्रॉन्टो को तो छोड़ा दिया, पर हम उस जज लोगन का क्या करें? उसे उसी के बनाए कानून से सजा दिलाते हैं। सॉरी जज साहब, इस जगह थूकना कानूनन अपराध है। क्या? नहीं रुको, मुझे फंसाया गया है। वो च्युइंग गम बेस्वाद था, जैसे गरम सॉस और सड़ी हुई मछली। इस जुर्म में किसी को माफी नहीं मिलती, ये आप ही का कानून है सर। क्या? नहीं रुको, ये नाइंसाफी है।